मेरे प्रियो, यीशु के नाम से अभिवादन करता हूँ। ऊंचे पहाड़, यीशु मसीह पहाड़ में अकेले प्रार्थना किया है, बाइबल में बार बार इसको देखते हैं। मूसा का परमेश्वर पहाड़ पर थड़के आने के लिए कहा था। मैं भी 77 में यहाँ पर सेवा करने के वक्त में जब यहाँ पर आया था, यहीं पर आके अकेले प्रार्थना करता था। ये देखिए, पृथ्वी से एक ऊंचे स्थान में है, लगता है आसमान नस्तिक है, दोनों के बीच में इस जगह है। आत्मा में एक प्रेरणा मिलती है, हम जो है स्वर्ग के नस्तिक में है, पृथ्वी से दूर आ गए हैं। ऐसे मन में एक भावना आती है, तब संसार से दूर होके परमेश्वर से संगति करने एक अनुभव, जब हम प्रार्थना करते हैं इस प्रकार की भावना मन में आती है, वो भी इस ऊपर की जगह से आसमान को देखते हुए प्रार्थना करने का अनुभव। बहुत ही ऊंचे स्थान में जब आप चले जाते हैं, जहां से आपको नीचे की बातें दिखाई नहीं पड़ती तो आपको भावना नहीं आती, जब नीचे की बातें आंखों में दिखाई पड़ती है तो महसूस होती है। मैं यहीं पर प्रार्थना दुआ करता था, लंबे समय तक मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता और परमेश्वर को स्तुति गान गीत गाता रहता था। मैं परमेश्वर से बातें करता था, प्रभु मेरे बारे में आपका क्या विचार है, क्या योजना, समय कैसे बीतता बिल्कुल पता नहीं चलता। परमेश्वर से नस्तिकी अनुभवों को यहाँ पर मैंने पाया, इसलिए इस जगह को मेरे जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। मत्ती 12 अध्याय का 20वां वचन में एक बात को यीशु कहता है, वह कुचले हुए सरकंटों को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा। परमेश्वर कहता है वो कुचले हुए जो सरकंटों को ना तोड़ता है, लगता है अभी वो मुरझाने वाला मरने वाला, लेकिन परमेश्वर तोड़ने वाला नहीं, उस सरकंटों को फिर से उसी जहां में खड़ा करता है। एक दिया बुतने वाला, परमेश्वर वहां उसको बुतने नहीं देता। परमेश्वर क्या करता है, फिर से उस दिया में जो है तेल डाल के जलाते हैं। मेरे जीवन में ऐसे बहुत अनुभव है, कुचले हुए सरकंटक के समान या बुती हुई दीप के समान, ऐसे बहुत परिस्थितियां आई थी। मैं कमजोर हो गया, कुछ परेशानी के चलते परीक्षाओं के द्वारा मेरा दिया बुझने के जैसे परिस्थिति आ गया था, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ा, उसने मेरे दिया को फिर से तेल डाल के जलाने दिया। इतने साल ऐसे ही प्रभु अगुवाई किया। आप भी कहेंगे मेरे जीवन खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं होगा, मेरी ये बहुत ही कमजोरी, मैं ये सारी बातों में गिर गया, मेरी दिया बुतने वाली, मैं परमेश्वर से काम लायक नहीं, ऐसे कह सकते हैं। ऐसे ही राहों में मैं भी चल कर आया, परमेश्वर नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं छोड़ेगा। दुआ देने वाला दिया को ऐसे ही वो नहीं छोड़ता, फिर से वो ताजा बनाता है, फिर से तुम ज्योति में, फिर से परमेश्वर के काम में ये सारी कमजोरी को दूर करके आ सकता है। वो आपको हिम्मत देता, वही यीशु है, वैसे ही वो हमें अगुवाई करता है। इतने साल वैसे ही प्रभु मुझे अगुवाई किया, इसलिए मैं अभी तक उनकी सेवा को कर रहा हूँ। मेरे बल से, मेरे युक्ति से, मेरे अनुभव से नहीं, या मेरे आत्मिक अनुभव के द्वारा भी नहीं, उसकी अनुग्रह, उसकी दया, उसकी वादा, आखिर तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, इस वचन को आपको पकड़े रहना है। वो आपको नहीं त्यागेगा, बल देके अगुवाई करेगा। प्रार्थना करेंगे, पिताजी दुआ देने वाला बत्ती को वो बुझने नहीं देता है, फिर से ताजा बना के फिर से जलाने के लिए काम करता है। कुचले हुए सरकंटों को परमेश्वर गिरने नहीं देता, फिर से तू खड़ा करने वाला प्रभु है। ये बेटा ये बेटी, इनको लगता है इनके दिया परमेश्वर बुझने वाला है, फिर से ताजा बनाइए, फिर से इनको खड़ा कीजिए, आज से परमेश्वर काम करने के लायक इनको बनाइए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमेन आमेन।